प्रदेश के संभल में मध्यम वर्गीय परिवार व गरीब परिवार की बच्चियां भी अब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकेंगी। संभल जनपद के चंदोसी में स्थित एएम वर्ल्ड विद्यालय ने सराहनीय पहल शुरू की है। विद्यालय ने 100 छात्राओं को जो कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उन्हें 2 साल तक फ्री शिक्षा देने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर गरीब परिवारों में अपनी अपनी बच्चियों को पढ़ाने की इच्छा और जाग रही है। विद्यालय प्रबंधन की सोच यह है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए मध्यम वर्गीय परिवार भी आगे आए, जिससे बेटियां किसी से भी पीछे ना रहे। विद्यालय की यह योजना कक्षा 6 से लेकर 11 तक शुरू की है। जनपद के चंदोसी शहर में स्थित एएम वर्ल्ड कॉन्वेंट स्कूल ने मध्यम वर्गीय परिवार की बच्चियों को इंग्लिश मीडियम शिक्षा देने के लिए स्कूल प्रबंधक ने एक सराहनीय कदम उठाया है, जिसको लेकर चारों ओर इस पहल की तारीफ हो रही है। संभल से संवाददाता सदाम हुसैन की रिपोर्ट। विद्यालय की तरफ से एक पहल शुरू करी गई है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत 2 साल के लिए शिक्षा मुक्त। क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम यह है, मैं अभी तक जो बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के एडवर्टाइजमेंट देखता था, तो उसमें लोग उस टैग का यूज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई सही प्लान नहीं दे पाते, चाहे वो कोई विद्यालय हो, चाहे वो सरकार हो या प्राइवेट कोई व्यक्ति हो। तो समाज में किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा और इसको टैग के साथ कुछ करना होगा। तो मेरा जो प्लान है वो यही है कि जो बेटियां हैं उन्हें निःशुल्क 2 वर्ष के लिए शिक्षा दी जाए, और इसमें आप ये मान लीजिए हमारे जैसे स्कूल में लगभग 70-80 हज़ार रुपये 2 वर्ष में खर्च हो जाता है, तो वो उनका बच जाएगा। अब इसमें जो हम एडमिशन देंगे वो उनकी परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर देंगे, यानी जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्हें ही हम एडमिशन देंगे, यही हमने अपने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है। और इसमें हम अधिकतम 100 बच्चियों को शिक्षा देंगे और 2 वर्ष के लिए, उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई इसमें हिडन चार्ज नहीं है। अगर वो विद्यालय के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो केवल ट्रांसपोर्ट का उन्हें पैसा देना होगा। मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि एक तो मतलब बेटियां जो है वो घर के लिए, अगर आप घर पर जाएंगे, मान लीजिए बच्चा 5th में है या 7th में है, वो तो क्रिकेट खेलने चला जाता है या दोस्तों के संग चला जाता है, तो जो हमारे घर की शोभा हैं वो बेटियां ही हैं, वो उनके प्रति हमारा जो भाव है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए पूरे समाज के लिए। हाँ, मेरा नाम रोजी मल्होत्रा है। अच्छा मैम, आपके विद्यालय ने एक स्कीम शुरू की है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बच्चियों को शिक्षा फ्री शिक्षा देने की पहल की गई है, तो ये क्या शिक्षा है और किस तरीके से आप इसको आगे? सर, इसमें ये है कि 6 to 9 तक की गर्ल्स और फिर 11th क्लास तक की गर्ल्स को हम लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। अभी चंदौसी इतना बड़ा टाउन नहीं है, इतने लोग अवेयरनेस नहीं है यहाँ पर कि बेटियों को पढ़ाया जाए, तो एक हमारे मैनेजमेंट ने तय किया है कि हम एक मेरिट पे एक एग्ज़ाम लेकर और 100 गर्ल्स को हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं और जिनके माँ बाप इतने अवेयर नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, और जो पढ़ाना चाहते भी हैं तो फीस के वजह से वो लोग अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं करा पा रहे हैं, तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि क्यों ना किसी को पहल करनी चाहिए, तो क्यों ना हमारा स्कूल ये पहल करे, तो इस वजह से हमने ये डिसाइड करा और आने वाली 2 तारीख को हम ये एग्ज़ाम रखेंगे एंड उम्मीद करते हैं कि बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगी एज़ मैं यहाँ पर स्पोकन टीचर हूँ कि इफ़ वी एजुकेट अ मैन वी आर एजुकेटिंग ओनली 1 पर्सन, बट इफ़ वी आर एजुकेटिंग अ वुमेन वी आर एजुकेटिंग द होल सोसाइटी, क्योंकि एक औरत पूरे घर को शिक्षा देती है, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो पहली शिक्षा है वो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, तो अगर लड़की पढ़ेगी तो वो आगे जाकर सबको ही शिक्षा देगी। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।